दुर्ग प्रवास पर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का दुर्ग के घनश्याम सिंह कन्या महाविद्यालय में आगमन हुआ। इस दौरान महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान दुर्ग पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का दुर्ग आगमन हुआ, जहां उनके स्वागत के लिए दुर्ग शहीद चौक पर बजरंग दल द्वारा स्वागत सत्कार का आयोजन किया गया। भाई वेणु माधव राव विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल उसे आएंगे और स्वागत अभिनंदन करेंगे। भाई अजीत राय जी राजा भैया ट्रक यूनियन अध्यक्ष है, हमारे सभी साथियों से निवेदन है कि भाई वेणु माधव राव शीघ्र ही मंच पर आएंगे और सभी इसके बाद मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने दुर्ग स्थित घनश्याम सिंह कन्या महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया पहुंचे, जहां उनका स्वागत महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता दयानंद शिक्षा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष दिग्विजय सिंह गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की समस्त छात्रों के साथ साथ समस्त प्रबंधन एवं कर्मचारी भी शामिल रहे। कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रवीण भाई तोगड़िया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद लगातार हिंदुओं के लिए कार्य कर रहा है। हिंदुओं को जोड़ने के साथ साथ उनके अनेक कार्यों के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद एकजुट होकर कार्य करेगा। ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।